मैम होगी स्टार्ट हो गई मैम रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई फर्स्ट भी है चलता रहा होगा तो कम से कम दिक्कत क्या है क्या बोल रहे हो सर सुमित मैम सुमित सर है क्या मैम फिर से हो गई ग्रीन मैम ये सर कौन से फिर से ग्रीन हो गया क्या नो मैम हो गई सर रूम सर लग चलो अब चुप हो जाओ हम यहाँ पर लिख लिया हमारा प्रॉपर सिटी अब इससे बड़ा बड़ा मैं नहीं लिख सकती ये मैंने लिखा है प्रॉपर सिटी हम क्लियर दिख रहा है बड़ा मतलब दिख रहा प्रॉपर सिटी प्रॉपर सिटी में अपन ने पहला देखा था मेरा एरियोलर सिटी एरियोलर सिटी इस एरियोलर सिटी को हमने बोला था लूज कनेक्टिव टिश्यू याद आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला था क्योंकि इसके अंदर सेल्स आर लूजली पैक्ड याद आ रहा है काम कर रही हो थोड़ी छोले चावल दे दो थोड़ी छोले चावल मैम जैसे आपने कनेक्टिव आर लूजली पैक्ड बताए थे हम जब ने कनेक्टिव के चार्टर्स बताए थे हां मैम मेरी बुक में तीन ही है और हम प्रॉपर में ही मैम वैस्कुलर अलग ही नाम से दिया हुआ है टाइटली पैक्ड कोई बात नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है ना? मैंने बोला इंट्रासेलुलर स्पेस कैसा होता है मोर इंट्रासेलुलर स्पेस इज मोर है ना मतलब मैंने बोला यहाँ पर जो मैट्रिक्स होता है वो मैट्रिक्स इज आल्सो मोर है ना मैट्रिक्स कैसा होता है दैट मैट्रिक्स इज जेली लाइक है ना मेरा मैट्रिक्स जेली के जैसा होता है अब मैंने बोला दैट मैट्रिक्स कंटेन मैट्रिक्स के अंदर वी हैव सेल्स राइट फोर टाइप्स ऑफ सेल्स हमने देखी थी कौन कौन सी एक देखी थी मेरी प्लाज्मा सेल प्लाज्मा सेल फिर हमने देखी थी मेरी मास्ट सेल है ना फिर देखा था मैंने फाइब्रोब्लास्ट सेल देखा था और फिर नेक्स्ट मैंने देखा था मेरा मैक्रोफेजेस है ना ये चार टाइप की सेल्स देखी थी उसके बाद मैंने बोला दैट मैट्रिक्स कंटेन सम फाइबर्स आल्सो इसके अंदर कुछ फाइबर्स प्रेजेंट थे फाइबर्स मेरे पास दो टाइप के थे वन इज योर येलो एंड अनदर वन इज योर व्हाइट दूसरा मेरे पास व्हाइट था येलो फाइबर में मैंने बोला था दे आर फॉर्म्ड बाय इलास्टिन प्रोटीन व्हाइट फाइबर बने थे मेरे कोलेजन प्रोटीन से कोलेजन प्रोटीन इलास्टिन फाइबर मेरे थिन थे मैम अपने मैट्रिक्स मोर के आगे जेली के आगे क्या लिखा जेली लाइक एल आई के ई कोलेजन फाइबर थिक होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क एंड दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स आ रहा है समझ में ये सब अपन लिख चुके थे अनब्रांच इलास्टिक इज योर ब्रांच मेम्ब्रेन वाइट टू अनब्रांच है ना और ये कैसा था ये मेरा अनब्रांच था याद आ रहा है ये इलास्टिक था हम अपने को लिखवाया था ये इलास्टिक था इट वाज योर नॉन इलास्टिक ये अपन कल सब लिख चुके हैं इसी के बेसिस पे मैं डायग्राम बना रही हूँ यहाँ पर देखो एक बार ध्यान से ये मैंने बनाया एक एरियोलर टिश्यू का डायग्राम अब इसमें सबसे लास्ट में मैं बनाऊंगी मेरा मैट्रिक्स पहले मुझे बनाने हैं मेरे फाइबर्स अब फाइबर्स बनाने के लिए देखो पहले मैं बना रही हूँ मेरे व्हाइट फाइबर है ना व्हाइट फाइबर बनाने के लिए चलो मैंने ये हाइलाइटर ले लिया अब मैंने बोला ये व्हाइट फाइबर मेरे ऐसे डार्क कलर के दिख रहे हैं पट्टियां दिख रही है आपको अभी दिखी क्या यस मैम यस मैम क्लियरली विजिबल एवरीबॉडी यस मैम ये मैंने बना दिए छोटे छोटे से बैंड्स दैट वाज योर व्हाइट कोलेजन फाइबर कोई दिक्कत है नहीं है ना मैम व्हाइट और ये मैम येलो व्हाइट फाइबर एक जैसे लग रहे हैं वो थिन नहीं दिख रहा अभी मैंने सिर्फ येलो ही व्हाइट ही बनाए ओके मैं जो व्हाइट होते मैम इसी शेप में होते मैम ये हाँ देखो मैंने लिखा है ना बेटा ठीक है मैंने मोटा बनाया है कि नहीं मोटा दिख रहा है आपको
नहीं मैम, ये ऐसी लाइन वाइज ही होते मैम, जैसे मैम कैसे रैंडमली यू अरेंज, रैंडमली यू अरेंज। यस मैम, मैं यही पूछ रहा था। ये मेरे व्हाइट फाइबर से, ये मेरे व्हाइट फाइबर से, ठीक है, इसको मैंने थिक बनाया है, बंडल्स के फॉर्म में दिखाया है, अनब्रांच दिखाया है, नॉन इलास्टिक तो दिखा नहीं सकती, कोलेजन प्रोटीन भी डायग्राम में नहीं बता सकती। अब इसके बाद मुझे बनाने कौन से, येलो फाइबर्स है ना, तो येलो फाइबर्स के लिए मैं कोई और कलर ले लू, चलो मैंने ये पर्पल ब्लू कलर ले लिया है ना, अब ये ब्लू कलर से अरे कोई भी ले लो जो आपको पसंद आ रहा है, ये मैंने पतला सा नेटवर्क बना दिया, आप चाहे जैसे बना सकते हो, ऐसा फिक्स नहीं है, मैडम ने इधर लाइन बनाई तो हमें भी इधर ही बनानी है, बुक में भी मैं ऐसी नेटवर्क की तरह बनाना है, यस नेटवर्क की तरह बनाना है, पतला पतला फाइबर बनाना है, ये कौन सा हो गया यूर, दैट वाज योर येलो फाइबर, येलो फाइबर, अभी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मुझे सेल्स बनानी है ना, सेल्स अलग अलग टाइप की मुझे सेल्स बनानी है, तो पहले मैं यहाँ बना देती हूँ मेरी सेल्स, ये मैंने उठाया मेरा रेड कलर है ना, रेड कलर से मैंने यहाँ बता दी मेरी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, अब येलो फाइब्रोब्लास्ट सेल येलो फाइबर बनाएगी और व्हाइट फाइब्रोब्लास्ट सेल्स व्हाइट फाइबर्स बनाएगी, ठीक है, तो मैं इन दोनों को कॉमन नाम दे दूं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है ना, इट मे बी व्हाइट और येलो, मैम ये कितने प्रेजेंट होती है मैम, कितने भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नंबर फिक्स नहीं है, आपके डायग्राम में स्पेस कितना है उस हिसाब से आप सेल्स को बता दो, आप सिर्फ एक एक बना के शो करोगे तो भी इट इज ओके, ठीक है, चलो तो ये व्हाइट होगा या फिर ये होगी मेरी येलो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, ठीक है, इसके बाद मुझे बनानी है कौन सी सेल्स, कौन सी बना दूं बताओ जल्दी, चलो प्लाज्मा सेल बना दे, चलो ये मैंने बता दी मेरी प्लाज्मा सेल्स है ना, इसके अंदर मैं बता रही हूँ मेरी प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल मेरी सर्कुलर शेप की बता रही हूँ मैं, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा स्ट्रक्चर होगा, दिख रहा है, दिखी, मैंने यहाँ पे एक और बता दिया, अब कल क्या समझ नहीं आ रहा था, समझने का मन ही नहीं था इसलिए समझ नहीं आ रहा, आज कैसे आ गया, ये है मेरी प्लाज्मा सेल, अभी क्लियर है मैम, आज नेटवर्क सही है, अच्छा ये अपनी किस्मत है बेटा, तो हमने देख लिया कौन सा, फाइब्रोब्लास्ट सेल देख लिया, प्लाज्मा सेल देख लिया, अब अपन देख रहे अपना मास सेल, कहाँ गया मेरा मस्ट सेल, यस मास सेल के बाद अब हमें देखना है अनादर कलर भी टेक, इंक कलर, इंक कलर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रुक भी जा, चलो फिर से ये ब्लू कलर आ गया मेरे पास, अब इसको अपन कौन सा कलर दिखा दे, प्लाज्मा सेल दिखा दे, नहीं प्लाज्मा सेल अपन बना चुके, फाइब्रोब्लास्ट सेल भी अपन बना चुके हैं, मस्ट सेल मस्ट वाली बना दो, मैक्रोफेजेस हमारी अमीबा शेप की होगी है ना, तो मास सेल हम थोड़ा सा चेंज कर देते, ये क्या आ गया मैम, आपने बताया था कि मास सेल टेढ़ी मेढ़ी होती है अमीबा की तरह, यस मैम, मैं वही कंफर्म कर रही हूं, एक मिनट मैम, आपने मैक्रोफेजेस बताया था, हाँ मैक्रोफेजेस ही टेढ़ी मेढ़ी मैम, मैक्रोफेजेस बड़ी थी, ब्लैक ही ले लो, छोड़ो खत्म करो है ना, ये मेरे को बतानी है कौन सी मास सेल है ना, मास सेल में ऐसी ओवल शेप की बता रही मैम, मास सेल पर आपने अमीबा शेप की बताई, मैक्रोफेजेस होगी इरेगुलर शेप की बताई, यस मैम मैक्रोफेजेस होती है अमीबा, मैक्रोफेजेस इरेगुलर शेप की होगी, प्लाज्मा सेल सर्कुलर है, मास्ट सेल थोड़ी सी ओवल शेप की, मैम तो आपने बताया था ना प्लाज्मा सेल मैम थोड़ी इरेगुलर होगी, प्लाज्मा सेल भी इरेगुलर हो सकती है, इस डायग्राम में तो लार्ज सर्कुलर सेल है, मैं इसके आगे लिखती हूँ, देखो
ये कैसी है मेरी सर्क्यूलर, है ना। मास्ट सेल कैसी है, थोड़ी सी ओवल, है ना। फाइब्रोब्लास्ट सेल जो होती है इट बिकम योर समवॉट स्टार शेप्ड। फाइब्रोब्लास्ट सेल जो है थोड़ी सी मेरी स्टार शेप की होती है, और मैक्रोफेजेस जो होगी इट बिकम अमीबा शेप। यहाँ पता नहीं लिखा ही नहीं जा रहा, रेगुलर भी लिख सकते हैं ना। मैम आपने फाइब्रोब्लास्ट में तो मैम स्टार शेप स्ट्रक्चर नहीं बनाया। बना देते हैं लो यार, ऐसा ना अपना आज टाइम पास हो जाए, ये मिटाने करने में टाइम चला गया। लो मिटा दिया बस, अब कुछ और भी मिट गया, अब मुझे नहीं पता। ये मैं बना दूं मेरी स्टारशिप की, ठीक है, आ रहा है समझ में। ये हो गई मेरी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, अब मुझे बनानी है कौन सी मास्ट सेल्स। मैम आपने बना दिए मैम ऊपर मैम ब्लैक से। हाँ उसको नाम तो लेना पड़ेगा ना, ब्लैक पेन तो लेना पड़ेगा ना। चलो ये मैंने बनाई है मेरी मास्क से। मैम आज स्टूडेंट्स बहुत कम है। हाँ यार पता नहीं क्यों नहीं आया, तभी तो ऐसा लग रहा है आगे पढ़ा दूंगी फिर रोएंगे। क्लास है ना इसलिए फिर रोएंगे बैठ कर। ये मास सेल हो गई, अब मुझे कौन पढ़ा दीजिए तो उनकी गलती है, वो रिकॉर्डिंग देखने पड़ेंगे। अब मेरे को यहाँ पे इररेगुलर शेप की मुझे बतानी है कौन सी, मेरी मैक्रो पेजेस, मैक्रो है ना। ये मेरे लेबलिंग के लिए जगह ही नहीं बच रही यार, इतने से तो नाम लिखे देखो मेरे पास तो बची है मैक्रो पेजेस, ठीक है। अब मुझे बताओ ये एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट कहाँ पर होगा, लोकेशन between cell and skin and muscles. Skin and muscles. Between में बाद में ब्रैकेट में लिख देती हूँ, ठीक है। स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होगा, काम क्या करेगा जल्दी बताओ, प्रोटेक्शन पैकेजिंग टिश्यू, है ना। फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन हमने देखा था इट एक्ट एज इन पैकेजिंग टिश्यू, सो प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द बॉडी, है ना, मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट है, ठीक है। अब ऐसा कैसा, हमने इसका छोटा भाई देखा था दैट इज योर एडिपोज टिश्यू, है ना। एडिपोज टिश्यू में क्या अंतर हमको देखने को मिला था, देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अब मैंने दूसरा हेडिंग डाला है मेरा एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में कल अपने क्या देखा था, इसकी जो फाइब्रोब्लास्ट सेल से फाइब्रोब्लास्ट सेल स्टोर क्या स्टोर करेगा बताओ, स्टोर फैट, ये फैट को स्टोर करता है एंड इट फॉर्म्स, इट कन्वर्ट इनटू एडिपोसाइट सेल। फैट को स्टोर करके जो फाइब्रोसाइट होता है उसमें फैट स्टोर होके एडिपोसाइट बन जाता है, फैट स्टोर हो जाता है तब में उसको एडिपोसाइट सेल कहते हैं ना। सो मैंने लिखा फाइब्रोब्लास्ट सेल स्टोर द फैट एंड इट मेक द एडिपोसाइट सेल्स। अब इसकी वजह से इसका लोकेशन अपन क्या देखते हैं, बिलो द स्किन, बिलो द स्किन ना। कल अपन ने लिखा था इट इज प्रेजेंट बिलो द स्किन। मैं एकदम जस्ट स्किन के नीचे आ जाता, हां जस्ट स्किन के नीचे फैट स्टोर होता है वो एडिपोस टिश्यू है। Function, जब हाँ. जो फाइब्रोब्लास्ट सेल है वो जब फैट को स्टोर करने लग जाती है तब वो फैट ग्लोब्यूल में कन्वर्ट हो जाती है। हाँ बेटा हाँ, मतलब फैट जो है पहले ड्रॉपलेट फॉर्म में था, धीरे धीरे बड़ा हो गया तो वो फैट ग्लोब्यूल बन गया। ओके मैम, तो मैम वही फाइब्रोब्लास्ट सेल फैट ग्लोब्यूल बन गया। हाँ ना, फंक्शन क्या लिखूं, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर,
maintain body temperature and make insulating layers. Yes, ma'am. Layer. Na, and make the insulating layer. Insulating layer बनाता है, है ना? अब अगर मैं इसका diagram बनाऊँ. Sensitivity. हाँ. अब अगर मैं इसका diagram बनाऊँ, तो पहले मुझे क्या बनाना था? First we make the our yellow fiber. है ना? Yellow fiber बनाए पहले. येलो फाइबर कैसे बनाए? चलो पता नहीं कौन सा कलर है यहाँ पे, चलो व्हाइट बना देते. अरे यार नहीं आया क्यों? चलो ये आ गया. ये मैंने बना दिए कौन? व्हाइट फाइबर. मेरे व्हाइट फाइबर कैसे भी रेंडमली भी मैं अच्छा बन रहा है ना. ये क्या बन गया मेरे व्हाइट फाइबर. अब मुझे क्या बनाना है? येलो फाइबर भी मेक. अब मैं ये वाला पेन ले लूं सिंपल सा अपना. कौन सा कलर है देखे? ब्लैक तो मजा नहीं आएगा. हम यहाँ पे येलो कलर ही ले लेते. अरे भैया नेवी ले लो. ये ले लिया मैंने. ये मैंने बना दिए येलो कलर से. फाइबर्स दिख रहे पतले पतले? दे ऑल आर योर थिन फाइबर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क. ठीक है. अब इसके बीच में मुझे बतानी है मेरी सेल्स. कौन सी सेल बतानी है? एडिपोसाइट सेल्स. है ना? ये मैं ग्रीन कलर से बता दूं. चलो ग्रीन कलर उठा लिया. ये ग्रीन कलर से पहले मैंने बताई है मेरी एडिपोसाइट सेल है. इसके अंदर फैट डिपॉजिट होने वाला है. फिर ये फैट और ज्यादा डिपॉजिट हो जाएगा और मेरा फैट ग्लोब्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा. और फाइनली इन सेल्स को मैं बोलूंगी मेरी एडिपोसाइट सेल्स. है ना? अब देखो मैं इसको कैसे लेबल भी करूंगी. अब देखो यहां मैंने बोला इसके अंदर एक छोटा सा फैट ग्लोब्यूल डेवलप हो रहा है ना? इसके अंदर ये एक छोटा सा फैट ग्लोब्यूल बन गया. फैट की एक ड्रॉप कलेक्ट हुई है. धीरे धीरे ये फैट ज्यादा इनलार्ज होते जाएगा. देखो बड़ा लड्डू बन गया फैट का. आ रहा है समझ में? और कुछ समय बाद बोलूंगी और बड़ा बन गया है. इट बिकम मोर इनलार्जेस एंड फाइनली इट विल मेक अवर क्या बना दिया इसने अपना एडिपोसाइट सेल. हाँ ये हमने बन गया एडिपोसाइट सेल. मैम स्टार्टिंग में फैट ग्लोब्यूल था ना? नहीं ये देखो मैं बताती हूँ यहाँ लेबल क्या करना है. ये मैंने बताया मेरी फाइब्रोब्लास्ट सेल. ये हो गई मेरी फाइब्रोब्लास्ट सेल. ठीक है. फाइब्रोब्लास्ट सेल के अंदर क्या डिपॉजिट हुआ है? इसको मैंने लिखा है मेरा फैट ड्रॉप. फैट की एक बूंद डिपॉजिट हुई है. अब धीरे धीरे मैंने बोला ये इसके अंदर क्या बन रहा है? मेरा फैट ग्लोब्यूल. यहाँ बन गया मेरा फैट ग्लोब्यूल. और फिर ये पूरी सेल ने मिलके बना दिया क्या? एडिपोसाइट सेल. अब मुझे दोनों के अंदर मैट्रिक्स बताना है ना. तो देखो मैं डॉट डॉट करके मैट्रिक्स बना दूं सब दूर और कहीं भी एक जगह आप लेबल कर दो दैट वाज योर मैट्रिक्स. अब कलर लेने में मैडम आपने एरियोले में मैट्रिक्स नहीं बनाया. बता रही हूँ बेटा बना रही हूँ. नहीं बेटा अभी मैं आगे पढ़ा रही हूँ. आगे पढ़ा रही हूँ एक्स्ट्रा क्लास. एक्स्ट्रा क्लास मतलब हम इसमें सिलेबस को आगे बढ़ा रहे पढ़ के. क्योंकि आने वाले दो पार्ट टर्न पे हमारा सिलेबस नहीं हो पाएगा क्योंकि सिलेबस में पूरा एनिमल टिश्यू मैंने दे दिया. आ रहा है समझ में? तो हम थोड़ा पार्ट कवर करेंगे. और क्या बचा है? एक आधा पार्ट रह जाएगा तो वो हम देखेंगे बाद में. इसको अपन एनिमल टिश्यू में और क्या बचा है आपको इतना चार्ट में देख लो. मैम को मत परेशान करो. चलो अब ये एरियोलर एडिपोज समझ आया है.
मैंने होमवर्क में दिया था राइट द डिफरेंस बिटवीन एरियोलर एंड एडिपोस टिश्यू के. अब आप इसमें दोनों के बीच डिफरेंस लिखेंगे, दो या तीन नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर में. मैम मैम जो इसमें और जो सेल्स थे जैसे कि मैम मास्क सेल था, मैक्रोफेजिस था, मैम आपने बोला था वो एडिपोज में भी होगा, तो मैम हम चाहे तो बना सकते हैं. चाहे नहीं आपको बनाना ही है, भले आप एक एक सेल बनाओ. मैं देखो एक एक सेल बना देती हूँ, अगेन मैं चेंज द कलर. आप किसी एक ही कलर को लेके मैं सारी सेल्स बना रही हूँ. मैम बस इसमें है फाइब्रोब्लास्ट की जगह एडिपोसाइट होगा, बाकी तो सब सेम ही रहेगा. बाकी सब सेम है. अब देखो मैं यहाँ इरेगुलर शेप की सेल बना दूं, ये यहाँ मैंने बता दी मेरी इरेगुलर शेप की सेल, इसको मुझे क्या बोलना पड़ेगा बताओ जल्दी. मैक्रोफेजेस. मैम मैक्रोफेजेस इसमें सिर्फ तीन डिफरेंस होंगे ना, लोकेशन, फंक्शन और स्ट्रक्चर. में ये मैंने मैक्रोफेज स्ट्रक्चर में क्या, अरे एडिपोसाइट सेल का प्रेजेंस होना ये अलग कैरेक्टर है कि नहीं, नहीं समझ आया. बाकी सब सेम है. ये बनाई मैंने मेरी मास सेल्स, अब कौन सी रह गई, मैक्रोफेजेस मास प्लाज्मा. प्लाज्मा सेल मुझे कैसी बनानी है, सर्कुलर शेप की. ये देखो यहाँ मैंने बना दी ऐसा गोला बना के, न्यूक्लियस दिखा दिया, दैट वाज योर प्लाज्मा सेल. तो बाकी सब मेरे को एरियोलर टिश्यू जैसा ही दिखा है, सिर्फ डिफरेंस क्या दिखा है कि इसकी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के अंदर फैट का डिपोजिशन हो गया, इसलिए मैंने उसको बोला एडिपोसाइट सेल्स आर प्रेजेंट. ठीक है, अब शायद इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ. आपने इसमें प्लाज्मा सेल का शेप क्या लिखा है, प्लाज्मा सेल ये लिखा नीचे. सर्कुलर फाइबर शेप बताइए ना उसमें. प्लाज्मा सेल में सर्कुलर को जगह कम थी इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है. बेटा के लिखूं मैम, समझ में आ रहा है. आ रहा है बेटा. मैम अब आप आपने तभी बोल दिया था ना इसलिए समझ में आ रहा है. हाँ लो मैं इरेज कर देती हूँ. सर दिख रहा है, सर लिखा हुआ पूरा है बेटा, फिर से लिख दे एक बार. तुम्हारी सेवा करने ही तो बैठी है आपके लिए. मैम क्लियर दबा दो. अब मुझे क्या रुक जाओ, मुझे यहाँ लिखना है सर्कुलर. मैम अब तो नेक्स्ट स्लाइड ले लो सर. ठीक है अब मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ. मैम अपना प्रॉपर सिटी कंप्लीट हो गया ना. यस बेटा, नाउ वी कम ऑन आवर रेटिकुलर सिटी. चलो अब अपन दूसरा हेडिंग डालते हैं, दैट वाज योर रेटिकुलर सिटी है ना. अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, पता नहीं आता क्यों नहीं, एक बार ब्लॉक बन के रह जाएगा बस इस वाले पेन को देख है ना. काम आप डिफरेंस एक बार और बता देंगे रियल और एडिट. आप पहले लिखो फिर मुझे बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा. मतलब रेड एंड ब्लैक की कॉम्बिनेशन में कर लीजिए. चलो मैंने ब्लैक ले ली, अब ब्लैक से चलने दो जरा फटाफट. मुझे लेना है क्या, रेटिकुलर टिश्यू. टेंडेंस और लिगामेंट है ना. रेटिकुलर टिश्यू में मैंने दो टाइप देखे थे, एक देखा था मैंने मेरा लिगामेंट और दूसरा देखा था मैंने मेरा टेंडन. ठीक है अब जरा इन दोनों में लिगामेंट जॉइंट बोन टू बोन एंड टेंडन जॉइंट बोन टू मसल. यस इफ यू वांट टू मेक द डिफरेंस बिटवीन दीस टू, अगर मुझे इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिखना है तो मैं यहाँ एक कैरेक्टर का कॉलम बना लू राइट. अब जब मैंने यहाँ कैरेक्टर का कॉलम बना ही लिया है तो क्या मैं यहाँ पर कैरेक्टर लिखना चालू हो जाऊं. अरे मैम को अपने हिसाब से चलने.
ठीक है आप, ठीक है चलो अब हम पॉइंट लिखना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट लिखते हैं, पहला पॉइंट लिख रहे हैं हम हमारा टेंडोंस और लिगामेंट के अंदर। देखो इसके अंदर भी मैट्रिक्स है और सेल्स भी है, हमको स्पेसिफाइड इसके अंदर क्या ध्यान रखना है कि जो टेंडोंस होते हैं दे आर कॉर्ड लाइक टफ ना, कौन टेंडोन की बात कर रहे हैं, तो टेंडोन टफ होते हैं, दे आर नॉन इलास्टिक, कौन टेंडोंस मतलब लिगामेंट इलास्टिक होते हैं। अब देखो जब मैंने बोला लिगामेंट इलास्टिक है मतलब दे आर फॉर्म्ड बाय इलास्टिन प्रोटीन, और इलास्टिन प्रोटीन है मतलब आप बताओ इसके अंदर कौन से फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, फाइबर्स। लिगामेंट के अंदर वी फाइंड अवर येलो फाइबर, येलो फाइबर लिगामेंट जो है येलो फाइबर से बनते हैं, और टेंडोंस आर फॉर्म्ड बाय योर व्हाइट फाइबर्स, ये व्हाइट फाइबर से बनते हैं। अब मुझे बताओ कैरेक्टर आपको पता लगेगा इलास्टिसिटी, अगर मैं दूसरा कैरेक्टर लिखती हूँ तो कौन इलास्टिक होगा, ये लिगामेंट लिगामेंट मैम इलास्टिक, ये मेरे नॉन इलास्टिक हो जाएंगे मतलब ये फ्लेक्सिबल होगा लिगामेंट, ये नॉन फ्लेक्सिबल रहेंगे है ना। अब बताओ ये थिक होगा कि थिन, मैं वो तो येलो और व्हाइट के सारी पॉइंट लिख रहा हूं, येलो वाला थिन होगा, लिगामेंट थिन होगा, टेंडन लिगामेंट थिन होगा मैम, और टेंडन थिक होगा, ये कैसा होगा थिन होगा, और ब्रांच होगा क्या, यस यस मैम थिन होगा और ब्रांच होगा, और ये कैसा होगा इट बिकम थिक एंड अनब्रांच्ड, व्हाइट और येलो फाइबर के ब्रांच है, यस यस यस। और इसके अंदर आप बताओ प्रोटीन कौन सा प्रेजेंट होगा, इलास्टिन, इलास्टिन प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन है, और इसके अंदर कोलेजन प्रोटीन है, इक्वल डिफरेंस क्लियर। अब बताओ और कोई डिफरेंस लिख सकते हैं, इट कनेक्ट हम लिगामेंट बोन टू बोन फंक्शन ना, क्या कनेक्ट करेगा, तो हमने लिखा लिगामेंट मतलब हम यहाँ फंक्शन लिख सकते हैं है ना, सो लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन, ये एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करते हैं, और टेंडॉन्स जो है इट कनेक्ट बोन टू मसल्स। अब देखो आपको सिर्फ याद रखना है कि टेंडॉन में व्हाइट मसल है, व्हाइट फाइबर है, और लिगामेंट में येलो फाइबर है, अगर आप ये याद कर लेंगे तो बाकी पॉइंट अपने अपने आप याद हो जाएंगे ना, यस yes, yes, वो आप पहले ही याद कर चुके हो। सेल्स प्रेजेंट इन टेंडोंस आर इलोंगेटेड फाइब्रोब्लास्ट विच लाइज ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस इन द रोज ना, और इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट सेल जो होती है वो स्कैटर्ड होती है। अब यहाँ पे देखते हैं, लिखते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स इसके अंदर जो है डेफिनेट रो पैटर्न में होती है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स अरेंज इन रो पैटर्न, और यहाँ पे दे आर स्कैटर्ड, ये फैली हुई बिखरी हुई होती है ना, दे आर स्कैटर्ड ओनली, ठीक है। और कोई पॉइंट समझ आता है, सो हमने बोला टेंडोंस कनेक्ट मसल टू बोन, हम लिख चुके हैं मसल को बोन से, और ये लिगामेंट जो है वो, अब फ्लेक्सिबिलिटी देखिए क्या लिखे फ्लेक्सिबिलिटी, वैसे हमने इलास्टिक लिख दिया है, मैं मत लिखी है तो एक ही है, फ्लेक्सिबिलिटी हम लिखते हैं बंडल एंड नेटवर्क, यस लिगामेंट में होगा इलास्टिसिटी, और दे आर नहीं होगा दे आर नॉन इलास्टिक मैम, इनके डायग्राम है नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस हमको समझ में आता है अबाउट योर टेंडॉन्स एंड लिगामेंट। मैम फाइब्रोब्लास्ट सेल होता है कि फाइब्रो फाइब्रोप्लास्ट सेल होता है, बी बी फॉर ब्लास्ट, ब्लास्ट नहीं होगा, फाइब्रोब्लास्ट बोलो या फाइब्रोसाइट बोलो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, ओके मैम, फाइब्रोब्लास्ट या फाइब्रोसाइट्स। अब ये टेंडोंस लिगामेंट में कोई दिक्कत है क्या, हां मैम
नो मैम नो मैम एक हमको दिख रहा है बोन और बोन को जोड़ेंगे, दूसरा बोन और मसल्स को जोड़ेंगे। इसके ऊपर भी दो नंबर का क्वेश्चन आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन टेंडन्स एंड लिगामेंट। तो देखो टेंडन्स कनेक्ट मसल टू बोन, अपन लिख चुके हैं, व्हाइट फाइबर है ये भी लिख चुके हैं, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट सेल रोज में होती है, इसमें स्कैटर्ड होती है, ऑल पॉइंट्स भी रिटर्न है ना, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स लिख दिए। मैम रेटिकुलर टिश्यू में लिगामेंट और टेंडन्स तो सेल्स होंगी ना? लिगामेंट और टेंडन्स जो होते हैं वो इन सेल्स से मिलके बनते हैं। तो मैम वो भी एक प्रकार का टिश्यू ही है। हाँ हाँ टिश्यू ही है। ओके यस आगे बढ़े मैम, वैस्कुलर पॉइंट लिख सकते हैं। आप बोलो क्या मैम? टेंडन्स में लिख सकते हैं साइज चेंजेस डिपेंडिंग ऑन मसल। मैम लिगामेंट में लिख सकते हैं मेड ऑफ मेनी फाइबर्स। हां लिख देते साइज लिखूं कैरेक्टर में क्या लिखूं बताओ आप? मैम साइज साइज कैरेक्टर में लिखते हैं हम हमारा साइज क्या लिखो? लिगामेंट में लिखो इट मे चेंज इट मे वेरी लिख दो। नो मैम मेड ऑफ मेनी फाइबर्स फिर वो साइज मैम ये तो टाइप हो गया अकॉर्डिंग टू अलग अलग टाइप की चीज लिख दी। अलग अलग चीजें लिख दी, एक में वो है कैसा होता है, दूसरे में उसका साइज है। मैम टेंडन्स का मैम सही है, मैम लिगामेंट का गलत है। इसका साइज चेंज होता रहता है, लिगामेंट वो मैम साइज पे डिपेंड नहीं है वो चीज। फटाफट याद रखना है कि उसके अंदर व्हाइट फाइबर है तो इलास्टिन प्रोटीन के बनेंगे, तो ये इलास्टिक होंगे, ये थिन होंगे, दे आर ब्रांच आल्सो। और इम्पोर्टेंट याद रखना इट कनेक्ट बोन टू बोन, एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करता है लिगामेंट। मैम लिगामेंट तो जॉइंट्स में मैम प्रेजेंट होता है और जो टेंडन होता है वो मसल के एंड में प्रेजेंट होता है। हां लिख सकते हैं लोकेशन लिखे। चलो एक पॉइंट और बना दिया इसने, हम लिखते हैं लोकेशन। हाँ बताओ लिगामेंट कहाँ प्रेजेंट होंगे? मैम एट द जॉइंट्स ऑफ बिटवीन द जॉइंट्स विच जॉइंट मैम बोन मैम मैम जैसे लिगामेंट काफी सारे फाइबर से बना होता है तो टेंडन्स एक टाइप ऑफ फाइबर से बना होता है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी मैम टेंडन्स में क्या लिखूं? हम लिगामेंट के साइज में क्या लिखें? एट द एंड ऑफ मसल्स मैम कैन बी फाउंड इन जॉइंट। मैम टेंडन्स में लिख सकते हैं कैन बी फाउंड एट द एंड्स ऑफ स्केलेटन। हां बेटा मेरा मार्कर पकड़ लो मेरा। एंड्स ऑफ मसल्स यस मैम can be found at the end. Excuse me ma'am. Yes beta. Ma'am ligaments ke size mein aapne made of many fibers likha hai, ye size mein kaise aayega? Size mein nahi aayega. Ye iska size mein is point ko kaat de. Nahi isme likho aap not depend on the not depend on the size of muscles. Ma'am matlab iska size change nahi hota. ठीक है
not depend on size. ठीक है, ये हमारा एक और पार्ट कंप्लीट होता है, दैट इज योर रेटिकुलर सीटी टेंडन्स एंड लिगामेंट. जॉइंट्स बिटवीन बोन आप समझा देंगे मतलब? बेटा दो हड्डियां जब आपस में कनेक्ट होती है वहां पर प्रेजेंट होगा एल्बो एंड नी. ओके मैम. है ना, जैसे ये मेरा एल्बो वाला जॉइंट है वहां प्रेजेंट होगा. मैम किसी के अगर फ्रैक्चर होता है तो ये लिगामेंट टूट जाते हैं. लिगामेंट टूटते हैं तभी फ्रैक्चर हो रहा है ना. अब मैंने देखो यहाँ पे एक ह्यूमरस बनाया, ये मैंने एक हड्डी का टुकड़ा बनाया, दिख रहा है ये मेरा बोन है. अब इस बोन से यहाँ पर जुड़ा हुआ इस साइड में ये हाथ वाला है सपोज, तो यहाँ से ये वाली हड्डियां जुड़ी हुई है. यस मैम. है ना, ये ऐसा कुछ मेरा हाथ सा बन जाएगा. तो ये दोनों आपस में कनेक्ट है, ह्यूमरस है ये और ये नीचे वाला पार्ट है. अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा, एक होगा जो बोन को बोन से जोड़ता है. मैम ये किस चीज का डायग्राम? और एक होगा बोन को मसल से जोड़ेगा. मैम ये टेंडन्स होगा. यस बेटा, ये रेटिकुलर टिश्यू का डायग्राम. मैम उसको मैम उसकी मजबूती को मैम स्ट्रांग बनाता है ना. यस, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. मैम ये कौन से टिश्यू का डायग्राम? बेटा आपको डायग्राम बनानी नहीं है, बुक में दिख रहा है क्या? यस मैम दिख रहा है. ये बुक में दिखा डायग्राम? यस मैम. ये इधर देखो लिखा हुआ है टेंडन, दिख रहा है अगर पास लाऊं तो? मैम लिख हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन डायग्राम अच्छे से दिख रहा है. हाँ, तो डायग्राम में साइड में जो कनेक्शन है दैट वाज योर लिगामेंट. ये देखो जहाँ मेरा फिंगर है यहाँ पे डार्क कलर की लाइन दिख रही है जॉइंट्स के पास. यस मैम दिख रहा है क्या? दिख रही है. दैट वाज योर लिगामेंट. यस दैट वाज योर लिगामेंट. ओके मैम. लेफ्ट में जो बना है एकदम साइड में कॉर्नर में. यस, हो सकता है आपके बुकलेट में भी दिया हो बेटा. अब ये ठीक है, कंप्लीट माने अपन ये रेटिकुलर टिश्यू आल्सो. मैम लिगामेंट भी बोन जैसा हार्ड होता है? नहीं, कंपैरेटिवली सॉफ्ट है. सॉफ्ट है बेटा, येलो फाइबर है ना तो सॉफ्ट है. मैम थोड़ा सा मॉडिफाइड होता है इसलिए फुली इलास्टिक नहीं होता. हां, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको स्ट्रेंथ देना होता है ना, सपोर्ट करना होता है. इट हेल्प इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन आल्सो. वो भी ठीक है कि मेरा येलो फाइबर से बने लिगामेंट जो होते हैं इट हेल्प इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन. मैम साइज वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिए. हाँ नीचे कर दो, कोई बात नहीं, बाद में लिख लो. नो मैम एक्सप्लेन कर दीजिए साइज वाला पॉइंट. साइज वाला पॉइंट लिखा है कि लिगामेंट बहुत सारे फाइबर से मिलके बना है, बट इसका साइज जो है वो मसल के साइज पे डिपेंड नहीं करता है. जैसे अपन ने टेंडन्स में लिखा है कि टेंडन्स का साइज मसल के हिसाब से चेंज हो जाता है, ठीक है, पर इस लिगामेंट का साइज मसल के हिसाब से चेंज नहीं होता है. पर मैम लिगामेंट में तो मसल का कोई रोल ही नहीं है, तो बोन से बोन कनेक्ट होता है ना, तो इसमें बोन का साइज डिपेंड नहीं होगा ना? नहीं होगा ना, वही तो बता रहे, इस पे अलग कैरेक्टर है तभी तो बता रहे बेटा. मैम अब आप वैस्कुलर बता दीजिए. हाँ मैं उसी पे आ रही थी. प्रेजेंट का ब्लड एंड लिम्फ डायग्राम से बता दो. डायग्राम मैंने बनाया, तुमको समझ नहीं पा रहे बेटा. मैम इसका डायग्राम एकदम ऐसे बन नहीं पाएगा. मैम कनेक्टिव टिश्यू तो लास्ट टॉपिक है ना. हाँ तो बेटा आप सोचो, अपन ने नर्वस टिश्यू पढ़ लिया कि नहीं, याद करो जरा जल्दी. मसल्स भी पढ़ लिया, पढ़ा था. अरे वेट वेट, सबसे पहले हमने एपिथेलियल पढ़ा. यस मैम. फिर उसके बाद में नर्वस पढ़ा, फिर मस्कुलर पढ़ा, फिर नर्वस के बाद मस्कुलर पढ़ा, वो भी दो बार रिपीट हुआ मस्कुलर. मस्कुलर के बाद हम आ गए कनेक्टिव टिश्यू पे. कनेक्टिव टिश्यू में हमने एरियोलर एडिपोज पढ़ा कल वाले लेक्चर में. यस मैम. और आज हमने पढ़ा मस्कुलर टिश्यू. मैम अभी भी दो बचे हैं. मैम बस दो ही रह गए. वो तो करा दो मैम, अभी टाइम है मैम, 15 मिनट और ले लेना बेटा. मेरी क्लास है दूसरी क्लास को.
मैम अभी 10 मिनट से आप वैस्कुलर करवा सकते हैं मैम, अभी तो दो क्लास और बची हैं। हाँ तो दो क्लास में एक में मुझे ब्लड और लिम्फ पढ़ाना पड़ेगा और दूसरे मैम एक ही बची है। क्यों बोन और कार्टिलेज बचा है बेटा? क्लास एक ही बची है मैम आपकी, केवल सैटरडे वाली। संडे को भी तो है मैम, संडे को होती है। संडे को तो टेस्ट तो दो तारीख को है, मंडे को है ना टेस्ट, मंडे को टेस्ट, मंडे को है अपनी क्लास हो जाएगी और संडे को मैं घर से ही पढ़ाऊंगी मैम। आराम से हो जाएगा मैम, लेकिन नेक्स्ट क्लास घर से पढ़ाओगी तो मैम एक बार में पूरा खत्म हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा पढ़ने में इसको मैम, फ्राइडे को भी ले लेना एक क्लास। अभी देखेंगे मैम, आप संडे तक कोई अच्छा सा डीपीक्यू भेज देना, ये एनिमल अभी मैंने भेज दिया, कनेक्टिव टिश्यू का डीपीक्यू मैं भेजूंगी। मैं पूरे का ही बना के भेज दे, पूरा ही तो हो गया ना। समझ नहीं आ रहा, वेट वेट, कनेक्टिव टिश्यू मतलब चारों कनेक्टिव टिश्यू का कंबाइन एक डीपीक्यू बनेगा, उसमें ब्लड लिम्फ बोन कार्टिलेज टेंडंस लिगामेंट एरियोलर सब आ जाएगा। यस मैम, वही भेज देना। चलो अभी क्लोज ना हो, 5 मिनट बाद मेरी दूसरी क्लास है। यस मैम, थैंक यू मैम। तो हमारा टेंडन लिगामेंट बाय मैम, ओके बेटा, थैंक यू, बाय मैम। मैम कंट्रोल प्लस क्यू, थैंक यू मैम, बाय मैम, थैंक यू मैम, बाय मैम, बाय बेटा, थैंक यू मैम। मैम ALT प्लस क्यू दबा दीजिए, अपने आप क्लास एंड हो जाएगी। मैम ऑल्ट F4 दबा दीजिए। यस मैम, मैम ऑल्ट प्लस क्यू से भी बंद हो जाएगी। मैम ऑल्ट दबाई रखिए फिर क्यू दबा दीजिए। मैम ऑल्ट को होल्ड रखिए और उस पे क्यू दबा दीजिए। बस बस ये भी आ गए बच्चे अंत तक। चलो मैम 66 से ऊपर ही नहीं गए। Thank you, man.